नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में आज 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान। बुलेट का जवाब बैलेट से देने के लिए आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों के 32 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। पहले चरण में 49 सीटों पर मतदान 12 अक्टूबर को हुआ था। आज हो रहे मतदान में 32 सीटों में 23 सीटों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है। दूसरे चरण में करीब 46.13 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी, विधानसभा अध्यक्ष जदयू नेता उदय नारायण चौधरी, भाजपा नेता प्रेम सिंह, रामेश्वर चौधरी और मांझी के बेटे संतोष कुमार का राजनीतिक भाग्य आज मत पेटियों में बंद होगा। बिहार की 11 सीटों पर मतदान 3 बजे तक ही होगा। बिहार में आज दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में सभी 32 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, लेकिन इनमें से 11 सीटों पर मतदान दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगा और 12 सीटों पर मतदान शाम 4 बजे समाप्त होगा। केवल 9 सीटों पर मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक चलेगा। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर लक्ष्मण ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी के लिए ड्रोन और 5 हेलीकॉप्टर के साथ साथ UAV का उपयोग किया जा रहा है। गया में गुलाबी बूथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां सिर्फ महिलाएं ही मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए तैनात हैं। आठ नवंबर को दिल्ली में सजेगी गुलाम अली की महफिल। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली की गजलों की महफिल 8 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सजेगी। गौरतलब है कि शिवसेना के विरोध के कारण पिछले सप्ताह मुंबई और पुणे में गुलाम अली के कार्यक्रम रद्द हो गए थे। पिछले सप्ताह कार्यक्रमों के रद्द होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के नियुक्ति पर गुलाम अली ने राजधानी में प्रस्तुति देना स्वीकार किया। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने गुलाम अली के खिलाफत करने वालों को ट्वीट के जरिए संदेश दिया कि वे नफरत फैलाते रहते हैं, लेकिन हम भाईचारा बढ़ाते रहेंगे। वे कांटे उगाते रहेंगे, लेकिन हम फूल उगाएंगे।